आई वेलकम यू ऑल टू दिस इन क्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोग तो आज के इस वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हम इन टोटल हंड्रेड एम सी क्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो मेडिवल हिस्ट्री से एसोसिएटेड है और ये एम सी क्यूज़ आपके लिए एक रिविजन पर्पज़ की तरह हेल्प करेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, लेट स्टार्ट दिस विद हर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन टाइम्स द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स टेरिटोरियल क्लाइमेक्स राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि औरंगजेब तो औरंगजेब हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर तो इनके टाइम पर जो मुगल एम्पायर था वो अपने टेरिटोरियल क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था ये आपने ध्यान में रखना है सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं द मुगल एम्पायर reached टेरिटोरियल ड्यूरिंग during रीन ऑफ औरंगजेब ही रूल ruled from टू to 1707. कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन विच ईयर डेड औरंगजेब डाइट सो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी औरंगजेब पॉलिसीज़ लीड टू द डिजोल्यूशन ऑफ़ द एम्पायर और फाइनली जो औरंगजेब ने पॉलिसीज बनाई थी उसकी वजह से ही जो उसका एम्पायर था उसका डिजोल्यून स्टार्ट हुआ बट ही इज कंसिडर टू बी द लास्ट पावरफुल मुगल यह आपने ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इस कैटेगरी इन विच कॉइंस इशूड बाइ अलतुत कैन बी करेक्टली प्लेस्ड राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरेबिक सिल्वर तो अल्तुमिश इन्होंने अरेबिक सिल्वर कोइंस को इंट्रोड्यूस किया था ये आपने ध्यान में रखना है सो अल्तुमिश वाज़ द फर्स्ट तुर्किस सुल्तान हु इंट्रोड्यूस द प्योर अरेबिक कोइंस इन इंडिया तो इंडिया में प्योर अरेबिक कोइंस जो सिल्वर काइंस थे इसको अलतुत्मिश ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में ये आपने ध्यान में रखना है और ये एक तुर्किस सुल्तान थे अल्तुतमिश इन्होंने कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था वो भी स्टार्ट करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बहा मनी किंगडम तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि वाजर ए कुल तो so, वाजर ए कुल ये प्राइम मिनिस्टर को कहते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बहा किंगडम ये आपने ध्यान में रखना है बहा किंगडम के टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन था इट वाज वाजर ए कुल

राइट आंसर जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि मिनहाज सिराज तो मिनहाज सिराज इन्होंने लिखा था तबाक़त ए नासीरी इस बुक को ये आपने ध्यान में रखना है सो द तबाकत ए नासीरी वॉज कम्पाइल्ड इन ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी सी ई बाई द बाई ऑथर मिनहाज सिराज ये आपने ध्यान में रखना है एंड इट गिवस अ कंप्लीट अकाउंट ऑफ मोहम्मद ऑफ़ गोर कॉन्क्स्ट ऑफ़ इंडिया एंड द हिस्ट्री ऑफ टेली सल्तनत अप टू ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी सी ई तो इस बुक बुक में मैंशनड है अबाउट द दिल्ली सल्तनत ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी सी तक ये आपने ध्यान में रखना है इसके अलावा जो मोहम्मद ऑफ गोर इनके कॉन्स्ट जो इंडिया में इनकी विक्ट्री हुई थी इसके बारे में भी मैंशन है तबाकत नासरी में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहंस राज तरंगिनी इज़ रिटर्न इन विच लैंग्वेज राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्कृत तो कलहन इनकी बुक का नाम है राज इन्होंने इसको लिखा है और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई बुक है कलहन कम्पोज अ क्रॉनिकल ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर इन संस्कृत विच इज़ नोन एज राज तरंगिनी तो देखिए जो कलहन थे इन्होंने कश्मीर के जो राजा थे कश्मीर के जो राजा थे उनके बारे में लिखा था इन संस्कृत में और इस बुक का नाम था राज तरंगिनी द वर्क कंसिस्ट ऑफ सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स वर्सेज विच आर डिवाइडेड इन टू एट बुक्स कॉल लेस तरंग्स तो देखिए अराउंड एट बुक्स में ये कंपाइलेशन है टोटल और इसमें जो एट बुक्स हैं इनको तरंग कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन महमूद ऑफ गजनी लेड अ रेड अगेंस्ट द राय ऑफ भेरा ऑन रिवर झेलम इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग ईयर्स राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1004 एडी तो देखिए जो महमूद ऑफ गजनी थे इन्होंने राय ऑफ भेरा के के साथ एक रेड हुआ था इनका ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम इन द ईयर 1004 एडी सो इन 1001 थाउजेंड महमूद क्रॉस द इंडियन फ्रंटियर इन द फॉलोइंग ईयर ही रिपीटेड जयपाल तो वन थाउजेंड में महमूद ने इंडिया पर रेड किया था और यहाँ पर महमूद ने जयपाल को हराया था इसके बाद 1004 एडी में वापस महमूद जो गजनी के थे महमूद ऑफ गजनी अगेन रेडेड इंडिया और तब इन्होंने राय ऑफ भेरा के साथ इनका एक बैटल हुआ था हम कह सकते हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम द स्पॉयल्स फ्रॉम दिस एक्सपीडिशन महमूद टू रिपीट हिज रेड्स इन 1004 एडी नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग टेली सल्तनत अ न्यू डिपार्टमेंट कॉलान राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिरोज शाह तुगलक तो फिरोज शाह तुगलक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक नया डिपार्टमेंट जिसको दीवान खैरत कहा जाता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डैरी सल्तनत ये आपने ध्यान में रखना है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं सो फिरोज शाह तुगलक इस्टैब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट एज दीवान एरत और द डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी तो दीवान ए खैरत को डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी के नाम से भी जाना जाता है यह आपने ध्यान में रखना है बात यहाँ पर डेली सल्तनत की हुई है तो अगर हम बात करें डेली सल्तनत में आ, कितने इन टोटल कितनी डायनेस्टीज ने रूल किया था तो जो फर्स्ट डायनेस्टी थी दैट वाज़ गुलाम डायनेस्टी जिसको हम गुलाम डायनेस्टी जिसको हम मलमुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं आपने ध्यान में रखना है दैन द सेकेंड वन वॉज खलजी डायनेस्टी थर्ड वन वॉज तुगलक डायनेस्टी देन इट वॉज सैयद डायनेस्टी एंड देन इट वॉज लोधी डानेस्टी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं गुड़ खा तस्लैम सो so, गुड़ खा तस्ले मे ऐसे आपसे याद कर सकते हैं सो so, जी फॉर गुलाम डाइनेस्टी और मलमुख डानेस्टी के फॉर खलजी डायनेस्टी देन तुगलक डायनेस्टी देन सैयद डानेस्टी एंड दे लोधी डाइनेस्टी

राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि अमल गुजर तो अमल गुजर वॉज द नेम गिवन टू द पर्सन जो रेवेन्यू कलेक्टर का काम करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल पीरियड ये आपने ध्यान में रखना है तो फौज दार्ज ड्यूटी वॉज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड सेफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द एरियाज अंडर हिज हिस्सिडिक्शन तो देखिए फौजदार किसको कहा जाता था फौजदार उनको कहा जाता था जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे विद इन द स्टेट इसके अलावा अगर हम बात करें आलम गुजर की तो आलम गुजर और अमिल वॉज द रेवेन्यू कलेक्टर आपको आमल गुजर अमल गुजर की जगह अमल गुजर की जगह अमिल भी दिया जाए तो आपने ध्यान में रखना है बिकॉज इट इज द सेम नेम सेम और सेम नेम ऑफ द सेम पोस्ट और सेम डेजिग्नेशन सो ही यूज टू एक्सेस ही यूज टू एसेस एंड सुपरवाइज द रेवेन्यू कलेक्शन तो अमल गुजर या अमल का जो काम होता था वो होता था टू सुपरवाइज द रेवेन्यू कलेक्शन वर्क Next question The death of the Mughal Emperor Aurangzeb occurred at which of the following places? राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि अहमदनगर तो औरंगजेब डाइट एट अहमदनगर ये आपने ध्यान में रखना है काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं ए फॉर औरंगजेब एंड ए फॉर अहमदनगर ए स्क्वायर सो औरंगजेब हैज डाइट इन अहमदनगर ऑन ट्वेंटी फाइव सेवनटीन एट द एज ऑफ एटी नेक्स्ट क्वेश्चन द मनसबदारी सिस्टम वॉज बोरोड फ्रॉम राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंगोलिया तो देखिए जो मनसदारी सिस्टम था इसे मंगोलिया से बौर किया गया था यह आपने ध्यान में रखना है सो मराठा किंगडम इज नोन एज मुल्क के खादिम दे व कॉल मुल्क के खादिम बाय द मुगल्स सो so बेसिकली यहाँ पे रॉन्ग इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पेस्ट हो गया है बट डजेंट मैटर यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल गया है द फैक्ट इज़ दैट मराठा किंगडम को मुल्क खादन के नाम से भी जाना जाता था और इनको ये जो डेजिग्नेशन था ये मुगल्स ने दिया था बेसिकली यहाँ पर हमने मंसरदारी सिस्टम की बात की तो इसको हमने मंगोलिया से बोरो किया था ये आपने ध्यान में रखना है और मनसब सिस्टम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल एम्पयर अकबर ये भी आपने ध्यान में रखना है तो अकबर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1571 ये भी आपने ध्यान में रखना है 1571 में से इंट्रोड्यूस किया गया था और देखिए जो ये मनसब वर्ड होता है मनसब वर्ड का मतलब होता है अ टाइप ऑफ रैंक और पोजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन द संस्कृत पोएट्री ऑफ एलेवेंथ सेंचुरी पोएट जयदेव बिकेम द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि ओडिसी तो देखिए जो संस्कृत पोएट्री एलेवेंथ सेंचुरी में जयदेव ने की थी उनको उसने जो ये पोएट्री थी इस पोएट्री ने एक नया जो डांस फॉर्म है हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो ओडिशी है इसको जन्म दिया ये आपने ध्यान में रखना है सो जय देव वॉज अ ट्वेल्थ सेंचुरी पोएट ही वाज अ फेमस फॉर हिज राइटिंग्स ऑन लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण तो जो जयदेव थे ये राधा और कृष्ण की लव स्टोरीज़ के बारे में इन्होंने अपनी पोएट्रीज में मैंशन किया है ये आपने ध्यान में रखना है है। इसके अलावा अगर हम बात करें जयदेव की तो इनकी एक वन ऑफ मोस्ट फेमस वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है जिसका नाम है गीत गोविंद तो इसमें भी इन्होंने श्री कृष्ण और राधा जी की जो लव स्टोरीज हैं इनके बारे में मेंशन किया है ओडिशी वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज पोएट्री तो ओडिशी एक ऐसा डांस फॉर्म है जो इंस्पायर हुआ है इनकी जो बुक इनकी जो राइटिंग्स हैं इनकी जो पोएट्री है उनसे ये आपने ध्यान में रखना है सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि इब्राहिम लोधी तो इब्राहिम लोधी ये लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के ये आपने ध्यान में रखना है तो डेली सल्तनत की ही एक डाइनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी ये भी आपने ध्यान में रखना है सो so, इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी रीनिंग फॉर नाइन ईयर्स

में इनका बैटल बैटल हुआ बाबर के साथ जहां पर ये हार गए थे ऑफ पानीपत और इसके बाद मुगल ने इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर टू हैव सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि महमूद गवान तो महमूद गवान ये एक ऐसे मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट और एंड वैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ये आपने ध्यान में रखना है सो so, महमूद गवान इज ऑफ द बहामनी डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर टू हैव इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड वैल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ही क्रिएटेड अ लार्ज ब्लॉक ऑफ क्राउन लैंड विद इन ईच प्रोविंस तो इनकी ये काफ़ी ज्यादा फेमस है फॉर हिस वैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ये आपने ध्यान में रखना है इसके अलावा इन्होंने क्रिएट किया था लार्ज ब्लॉक ऑफ क्राउन को अपने हर प्रोविंस के अंदर ये भी आपने ध्यान में रखना है सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन विच ईयर राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1191 तो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया था बात अगर हम करें सेकंड बैटल ऑफ राइन तो जस्ट एक साल बाद 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया था तो बैटल्स ऑफ तरौरी और तराइन एज अ सीरीज़ ऑफ़ इंगेजमेंट्स दैट ओपन ऑल द नॉर्थ इंडिया टू द मुस्लिम कंट्रोल तो देखिए बैटल ऑफ तराइन के बाद ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम रूलर्स थे उनको एक रास्ता मिल गया था इंडिया में इन्वेट करने का और इंडिया में रूल करने का इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान वन अगेंस्ट महमूद मोहम्मद गोरी तो देखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ा गया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जो पृथ्वीराज चौहान थे हार गए थे वेर इन द वेरी फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश डायनेस्टी विच रूल्ड इन नॉर्थ इंडिया फ्रॉम ट्वेल्व हंड्रेड सिक्स टू ट्वेल्व हंड्रेड नाइन्टी वॉज स्टैब्लिश्ड बाई कुबुद्दीन एबक हमें यहाँ पर फिलिंग द मिला है राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्लेव डायनेस्टी और द दुलाम डानेसिटी ऑल्सो कॉल एज द ममलुक डायनेस्टी तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर सो कुतुबुद्दीन एबक अ फॉर्मर स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी तो मोहम्मद गोरी के एक स्लेव हुआ करते थे फाउंडेड द ममलुक डायनेस्टी और द स्लव डायनेस्टी इट वाज द फर्स्ट ऑफ़ द फाइव अनरिलेटेड डायनेस्टीज टू रूल डेलीस डेली सल्तनत फ्रॉम 1206 टू 1290 तो 1206 से लेकर 1290 तक का पीरियड तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टेब्लिश स्लेव डायनेस्टी का था नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्स वॉज कलेक्टेड ड्यूरिंग द डेली सल्तनत राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि खराज टैक्स तो देखिए खराज टैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार ये एग्जाम्स में देखा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो उसको डिस्कस कर लेते हैं तो ये टाइप का टैक्स था जो डेली सल्तनत के टाइम पर कलेक्ट किया जाता था तो खराज वॉज अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड अंडर द डेली सल्तनत तो ये टैक्स एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर लगता था एंड इट्स रेंज वॉज वन थर्ड टू हाफ ऑफ़ द प्रोड्यूस खराज इज़ मेनली पोस्ड ऑन नॉन मुस्लिम एंड कन्वर्ट्स इस्लाम इन रिसेंटली कॉन्कर टेरिटरीज ऑफ इस्लाम तो बेसिकली खराज के अंदर जो नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे उनसे उनकी उनसे ये टैक्स लिया जाता था यानी कि सिर्फ नॉन मुस्लिम एग्जिस्टेंस के ऊपर ही ये इस टैक्स को इम्पोज किया गया था और बेसिकली जो न्यू जो इस्लामिक टेरिटरीज बनती थी उस उनके अंडर कन्वर्जन किया जाता था ऑफ नॉन मुस्लिम्स इनटू मुस्लिम्स नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोड द बुक तुगलक नामा राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि आमिर खुसरो तो आमिर खुसरो ही इज़ द ऑथर ऑफ़ द बुक तुगलकनामा ये आपने ध्यान में रखना है सो so इन थर्टीन ट्वेंटी वन आमिर खुसरो बिगेन टू तो राइट हिस्टोरिक uh, मासनवी नेम्ड तुगलकनामा जिसका मतलब है बुक ऑफ द तुगलक्स अबाउट द रीन ऑफ घियातल्दीन घिया ग्या, घियात अल तुगलक एंड देट ऑफ़ द अदर तुगलक रूलर्स तो बेसिकली इस बुक में तुगलक रूलर्स के बारे में मेंशन है और इस बुक को आमिर खुसरो ने लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वर द प्रोविंसेस नोन एज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि प्रांत तो देखिए शिवाजी के टाइम पर शिवाजी के टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रोविंसेस होते थे उनको प्रांत के नाम से जाना जाता था सो द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शिवाजी वॉज ऑल्सो पेटर्न लार्ज लार्जली ऑन द डेकनी एंड द मुगल सिस्टम हि ऑल्सो रिकोगनाइज एंड रीनेम्ड सर्ट इन प्रोविंसेज और देखिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसिस के सर्टेन डिफरेंट पर्टिकुलर नाम भी रखे थे बेसिकली जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेट्स हुआ करते थे उनको ये प्रांत कहते थे द प्रोविसेज व रिफर टू एस प्रांत एंड व अंडर द चार्ज ऑफ सूबेदार और जो ये प्रांत होते थे इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे उनको सूबेदार के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन शेर शाह सूरी डिफीटेड विच मुग़ल एम्पर राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हुमायूं तो शेर शाह सूरी इन्होंने हुमायूं को डिफ़ीट किया था सो हुमायूं शेर शाह सूरी द फाउंडर ऑफ़ द सूर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया सो ही वाज द फाउंडर ऑफ द सूर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया डिफीटेड मुग़ल एम्पायर हुमायूं इन द बैटल ऑफ़ चौसा इन फिफ्टीन तो बैटल ऑफ चौसा फिफ्टीन में लड़ा गया था और इस बैटल में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट किया था ही डिफ़ीटेड हुमायूं अगेन इन फिफ्टीन फोर्टी आफ्टर विच द मुगल एम्प्रर बिकेम फ्यूगेटिव तो देखिए हमायू वॉज ऑल्सो रिपीटेड इन फिफ्टीन फोर्टी एज वेल और इसके बाद जो मुगल एम्पर हमायूं थे वो काफी ज्यादा वीक पड़ गए थे अगर हम बात करें एज अ एडमिनिस्ट्रेटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अडॉप्टड पर्शियन कस्टम्स एंड मैनर्स इन हज कोर्ट राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बलबन सो बलबन वॉज कन्विंस दैट द ग्लोरी ऑफ द किंगशिप वॉज पॉसिबल ओनली बाय फॉलोइंग द पर्शियन ट्रडिशन एंड ही वेरी केयरफुली केयरफुलोड दिज ट्रडिशन इन एज पर्सनल एज वेल एज पब्लिक लाइफ तो जो बलबन था ये एक ऐसा पर्शियन रूलर था एक ऐसा सुल्तान था जिसने पर्शियन कस्टम्स और मैनर्स को अपने कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था यह आपने ध्यान में रखना है अपनी पर्सनल एज वेल एज पब्लिक लाइफ में जो बलबन था इसने काफ़ी ज्यादा पर्शियन कस्टम्स को अडॉप्ट किया नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी शूट कॉपर कॉइंस इंस्टेट ऑफ सिल्वर कॉइंस

सिल्वर और गोल्ड कोइंस को ही इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द किंग्स ऑफ द तुगलक डायनेस्टी और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने कॉपर कोइंस को इंट्रोड्यूस किया था जिसकी जो मॉनेटरी वैल्यू थी वो सिल्वर और गोल्ड कोइंस के बराबर ही थी नेक्स्ट क्वेश्चन सिखिज्म वॉज फाउंडेड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेंचुरीज राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि फिफ्टींथ से लेकर सिक्सटीन सेंचुरी के बीच में सिखिज्म फाउंड हुआ था सो सखिज्म औरिजिनेटेड इन द पंजाब रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट अबाउट द एंड ऑफ द फिफ्टीन सेंचुरी तो फिफ्टीन सेंचुरी के एंड आने तक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पंजाब रीजन है यहाँ पर सखिज्म uh, जो रिलीजन है ये फॉर्म होना स्टार्ट हुआ एक तरीके से इसकी फाउंडेशन स्टार्ट हुई इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफ़ द मेजर वर्ल्ड रिलीजन सिखिज्म इज बेस्ड ऑन द स्परिचुअल टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी हुज द फर्स्ट गुरु फर्स्ट गुरु इन सिख एंड गुरुजेडल और जो फर्स्ट गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी और जो लास्ट जो टेंथ गुरु थे उनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द डेली सर्टनर डायरेक्टली पेड बाय दॉज क्रिएटेड बाय राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अलाउद्दीन खलजी तो अलाउद्दीन खलजी एम्पायर ऑफ द डेली सल्तनत जिनके पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट सो द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द डेली सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खलजी ये आपने ध्यान में रखना है सो नेक्स्ट क्वेश्चन हु फाउंडेड द पाल एम्पायर राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोपाल सो so, गोपाल ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी ये आपने ध्यान में रखना है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर सो धर्मपाल रूल इन एट सेंचुरी वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ द पाल एम्पायर so, तो पाल एम्पायर के सेकेंड रूलर थे धर्मपाल जो ये पाल डायनेस्टी थी ये फ्लरिश की इन द बंगाल रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ गोपाल द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी तो पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो गोपाल थे और इनके सन थे धर्मपाल uh, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो इनका एम्पायर था उस को फ्लरिश होने में मदद की थी नेक्स्ट क्वेश्चन द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि इल्तुतमिश सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार ऑप्शन बी होगा एंड इन 1193 इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश तो देखिए इनके सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के जिनका नाम था इल्तुतमिश और इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट अकबरनामा राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि अबुल फजल तो अबुल फजल इज द ऑथर ऑफ दिस बुक अकबर नामा यह आपने ध्यान में रखना है सो अबुल फजल द ऑथर ऑफ अकबर नामा द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अकबर स्टीन इन थ्री वॉल्यूम्स इन टोटल इसकी थ्री वॉलीम्स हैं इस बुक के, की अकबर नामा की दिस बुक गिज द हिस्ट्री ऑफ अकबर फोर फादर्स फ्राम थी टू हिमा एंड अकबर स्टीन टिल सिक्सटीन हंड्रेड टू ए तो इसमें बेसिकली जो अकबर के जो भी फोर uh, फादर्स थे उनके बारे में मैंशन है अबुल फजल वॉज वन ऑफ द नाइन ज्वेल्स ऑफ द रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर तो अकबर के जो नौ रत्न थे उनमें से एक रत्न अबुल फजल भी थे जो ऑथर हैं अकबर नामा के नेक्स्ट क्वेश्चन द असम स्टेट समाइज नेम फ्रॉम दैट ऑफ अ ट्राइब दैट कॉन्कर्ट द रीजन वेट डे द ट्राइब मैन ट्राइब्स मैन कम फ्रॉम राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि सियाम सो नाउ इट इज इन थाईलैंड सो जो असम स्टेट है ये इसका इसका जो नाम है उसने डेराइव किया है फ्रॉम अ ट्राइब जो बेसिकली जिसका नाम सियाम है और ये थाईलैंड को बिलोंग करती है द ट्राइब दैट कॉन्कर द रीजन ऑफ असम केम फ्रॉम द दियाम दैट इज नाउ इन थाईलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन सूरदास वॉज अ डिसाइपल ऑफ इच अमंग द फॉलोइंग सीन्स राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वल्लभाचार्य तो वल्लभाचार्य के गुरु थे सूरदास के यानी सूरदास ये शिष्य यानी डिसाइपल थे वल्लभाचार्य जी के सो सूरदास वॉज द डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य एंड ही पॉपुलराइज कृष्णा कल्ट इन नॉर्थ इंडिया और जो सूरदास थे ये काफी बड़े भक्त थे कृष्ण भगवान के नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिल्ट द जामा मस्जिद राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाहजहाँ तो शाहजहाँ इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था जामा मस्जिद को मुगल एम्पलर शाहजहाँ बिल्ड द जामा मस्जिद बिटवीन 1644 एंड 1656 इट वाज़ कंस्ट्रक्टेड बाय मोर देन 5,000 वर्कर्स इट वाज़ ओरिजिनली कॉल्ड एज मस्जिद ए जहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जामा मस्जिद का ओल्ड नेम क्या था मस्जिद ए जहाँ नुमा मस्जिद जहाँ नुमा मीनिंग मॉस् का कमांडिंग द व्यू ऑफ द वर्ल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ प्रोविंस इन द चोला एम्पायर इन टोटल थे या हम मंडल कह सकते हैं मंडलम्स इन द चोला एम्पायर विच वॉज फ्लरिस्ट इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया सो द चोला एम्पायर विड इन टू नाइन प्रोविंस एंड वर कॉल्ड एज मंडलम्स नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग द फेमस अलाई दरवाजा राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलाउद्दीन खलजी तो अलाउद्दीन खलजी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था अलाई दरवाजा को ये आपने ध्यान में रखना है सो so द अलाई दरवाजा इज द मेन गेट फ्रॉम द सदर्न साइड ऑफ द कुआवत उल इस्लाम मॉस्क इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी द सुल्तान ऑफ डेली इन 1311 हंड्रेड एलेवन ए के अराउंड इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था द अई दरवाजा हैज़ डोम्ड एंट्रेंस व्हिच इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ रेड सेंड स्टोन एंड इज़ अडोन्ड विट मार्बल तो रेड सेंड और वाइट मार्बल का यूज़ करके अलाई दरवाजा का कंस्ट्रक्शन करवाया गया है इट इज़ लोकेट इन न्यू डेली और इसको जो कंस्ट्रक्शन था वो अलाउद्दीन ने करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन हु ब्रॉड द फेमस पर्शियन पेंटर नेम ख्वाजा अब्दुलसमाद टू इंडिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हुमायूं तो हमायूँ एक ऐसे पर्शियन पेंटर ये, ये लेकर आए थे पर्शियन पेंटर को जिनका नाम था ख्वाजा अब्दुलसमाद तो ख्वाजा अब्दुलसमाद ही वाज अ पर्शियन पेंटर एंड ही वाज ब्रॉड बाय द मुगल एम्प्रर हुमायूं इन इंडिया सो द इानियन पेंटर्स वर ब्रॉड बाय हुमायूं और उनका क्या नाम था मिर् सैयद अली एंड अब्दुलसम दीज फाउंडर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ पर्शियन आर्ट पॉपुलरली नोन एज द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग तो ये थे फाउंडर्स ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ये आपने ध्यान में रखना है कौन मिर सैयद अली एंड अब्दुलसम नेक्स्ट क्वेश्चन द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द डेली सल्तनत वॉज राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर्शियन तो पर्शियन इट वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द डेली सल्तनत द डेली सल्तनत लिबरेट बिगेन विद द राइस ऑफ पर्शियन स्पीकिंग पीपल टू द थ्रोन ऑफ द सल्तनत ऑफ डेली नेचुरली रिजल्टेड इन द स्प्रेड ऑफ पर्शियन लैंग्वेज इन इंडिया सो so, पर्शियन जो लैंग्वेज थी ये इंडिया में फ्लरिश हुई बिकॉज ऑफ द uh, डेली सल्तनत ये आपने ध्यान में रखना है इट वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड सून लिटररी वर्क इन द लैंग्वेज बिगेन टू अपीयर तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज ही बन गई थी कोर्ट्स की यह आपने ध्यान में रखना है इन डेली सल्तनत नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगिरी फोर्ट इज अस्टोरिकल फोर्ट बेल्ट इन द इलेवन सेंचुरी इट इज लोकेटेड इन राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है ये चंद्रगिरी फोर्ट जिसका कंस्ट्रक्शन इलेवेंथ सेंचुरी में हुआ था तो चंद्रगिरी फोर्ट इज अ हिस्टोरिकल फोर्ट वेल्थ इन एलेवेंथ सेंचुरी लोकेटेड इन चंद्रगिरी तिरुपति इन आंध्र प्रदेश दो मोस्टली एसोसिएटेड विद विजय किंग्स इट वाज बिल्ड मच अर्यो इन एलेवेंथ सेंचुरी बाय द यादव नाय नायडू किंग्स तो इसका जो कंस्ट्रक्शन था ये बेसिकली विजयनगर नगर किंग्स से एसोसिएटेड है लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत पहले ही एलेवेंथ सेंचुरी में यादव नायडू किंग्स ने करवा दिया था सो बेसिकली आपने ध्यान में रखना है कि चंद्रगिरी फोर्ट इट इज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन साखी सबद एंड रमैनी द नोटेबल वर्क्स ऑफ राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि कबीर दास तो कबीर दास इनके फेमस वर्क है नोटेबल वर्क है साखी सबद एंड रमैनी सो कबीर वॉज अ फिफ्टीन सेंचुरी इंडियन मिस्टिक Poet and एंड सेंट writings according अकॉर्डिंग टू scholars influenced hindus hinduism's भक्ति movement तो हिंदू हिंदुज़म का जो भक्ति मूवमेंट था काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था बाय द राइटिंग्स ऑफ कबीरदास कबीर्स वर्सेस आर फाउंड इन हिस्म स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहिब आल्सो. हिज मोस्ट फेमस राइटिंग्स इंक्लूड हिज दोहाज साखी सभ एंड रामैनी वर हिज नोटेबल वर्क्स तो आपने ध्यान में रखना है साखी सभद और रामैनी ये नोटेबल वर्कस हैं कबीरदास जी के next question the delhi sultanate reached its maximum geographical limits during the reign of राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो तो डेली सल्तनत था ये अपने मैक्सिमम ज्योग्राफिकल लिमिट को इसने टच कर दिया था यह आपने ध्यान में रखना यानी कि मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाइड था अंडर द डेली सल्तनत अंडर द अंडर द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक देयर मोस्ट प्रोमिनेंट सुल्तान वॉज मोहम्मद बिन तुगलक अंडर हिज रीन द डेली सल्तनत एक्सपेंडेड इट्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज टू कवर मोस्ट ऑफ़ द पार्ट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द पोएट हु रोट पृथ्वीराज रासो अ पोएम डिस्क्राइबिंग पृथ्वीराज चौहान लाइफ राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी चंद तो चंद बरदाई इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो ये एक ऐसी पोयम है जो पृथ्वीराज चौहान की कंप्लीट लाइफ को डिस्क्राइब करती है सो द पृथ्वीराज रासो इज अ ब्रज भाषा एपिक पोयम अबाउट द लाइफ ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी इंडियन किंग ने पृथ्वीराज चौहान इट इज एट्रीब्यूटेड टू चंद बरदाई हुट पोएट ऑफ द किंग चंद बरदाई वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान Next question. हु अमंग द फॉलोइंग बेल्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ इरीगे इन द सल्तनत पीरियडर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि फरोज शाह तुगलक तो फिरोज शाह तुगलक इन्होंने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इरीगेशन कैनाल का कंस्ट्रक्शन करवाया था यह आपने ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेली सल्तनत तो जब डेली सल्तनत में रूल हुआ तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ इरीगेशन कैनाल्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन फिरोज शाह तुगलक ने करवाया सो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक वॉज अट्टुर मुस्लिम रूलर ऑफ दू री ओवर इरिगेशन तो उन्होंने बेसिकली चार मेन कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया ये भी आपने ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द ताजमहल इज कॉल्ड एज अ ड्रीम मार्बल ड्रीम इन मार्बल विच मोन्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ ड्रीम इन स्टोन राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि पंचमहल तो देखिए पंचमहल इसको कहा जाता है अ ड्रीम एंड स्टोन तो देखिए जो तो ताजमहल है इसको ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है और ड्रीम इन स्टोन कहा जाता है पंचमहल को तो द पंचमहल वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर्स ऑफ फतेहपुर सिकरी इज एज ड्रीम इन स्टोन ये आपने ध्यान में रखना है इट वॉज बिल्ट बाय अकबर सो जो ये पंचमहल है इसका कंस्ट्रक्शन अकबर द्वारा करवाया गया था फॉर mughal women and ladies of the harem of the Hareen. next question who founded the vikramshila university राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन पी यानी कि धर्मपाल सो so, धर्मपाल इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एंड गोपाल ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी एंड धर्मपाल वॉज द सन ऑफ गोपाल सो विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाय पाल किंग धर्मपाल इन द लेट एट्थ और नाइन्थ सेंचुरी इट इज इट ब्रॉस्पर्ट फॉर अबाउट फोर सेंचुरीज़ बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी तो देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियर खिलजी अलॉन्ग विद द मेजर अलॉन्ग विद अदर मेजर सेंटर्स ऑफ बुद्ध्म इंडिया अराउंड एलेवन नाइन्टी थ्री तो बुद्धम के भी काफ़ी मेजर सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया था बख्तियर खिलजी ने और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया था नेक्स्ट क्वेश्चन बीबी का मकबरा वॉज बिल्ड बाय राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि आजम शाह तो आजम शाह इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था बीबी का मकबरा सो so द बीबी का मकबरा यानी कि टॉम ऑफ द लेडी टॉप लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया तो देखिए बीबी का मकबरा ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सिचुएटेड है इट वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्पर औरंगजेब सन तो औरंगजेब के जो बेटे थे आजम शाह इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था इन द मेमोरी ऑफ इज मदर जिनका नाम था रबीदा उल दाउरानी तो रबीदा तो रबिया उल Daurani Rabia ud-Daurani was the name of the wife of Aurangzeb. Next Question Who was the first Sultan of Delhi to issue regular currency and to declare Delhi as the capital of his empire? राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अल्तुमिश सो अल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ़ द डेली सल्तनत जिन्होंने रेगुलर करेंसी को इंट्रोड्यूस करा और डिक्लेयर किया डेली को एज द कैपिटल ऑफ दिस एम्पायर ये आपने ध्यान में रखना है फॉर द फर्स्ट टाइम सो अल्तुमिश वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ डेली टू इशू रेगुलर करेंसी तो फर्स्ट सुल्तान थे डेली के जिन्होंने रेगुलर करेंसी को इशू किया मोर ओवर ही ऑल्सो डिक्लेयर Delhi as the capital of his empire he conquered Multan and Bengal from contesting rulers and Ranthambore and Shivalik from their rulers next question akbar established ibadat khana at राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि फ़तेहपुर सीकरी तो फतेहपुर सीकरी पर अकबर ने इबादत खाना को कंस्ट्रक्ट करवाया था एस्टेब्लिश किया था ये आपने ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बीजापुर इज नोन फॉर इट्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गोल गंबाज तो गोल गंबाज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है बीजापुर सिटी सो so, बीजापुर इज़ लार्जली विजिटेड बाई ट्रेवलर्स फ्राम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो

एट राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि सिकंदरा तो सिकंदरा पे अकबर का जो मकबरा है यानी कि मॉसोलियम uh, है ये सिचुएटेड है ये आपने ध्यान सिकंद्रा में रखना है सिकंदरा में सिकंदरा इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन द बायोग्राफी ऑफ मायू वॉज रिटन बाय राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि गुल बदन बेगम तो गुल बदन बेगम इन्होंने हुमायूं की बायोग्राफी लिखी थी ये आपने ध्यान में रखना है सो so, अकबर आस्ट हिज आंट टू राइट वट एवर शी रिमेंबर्ड अबाउट हर ब्रदर्स लाइफ तो गुल बदन बेगम ही बेसिकली बुआ थी हम कह सकते हैं अकबर की यानी हुमायूं की बहन थी और इन्होंने हमायू नामा को लिखा गुल बदन बेगम टुक द चैलेंज एंड प्रोड्यूस्ड अ डॉक्यूमेंट टाइटल्ड हमायू नामा तो हमायू नामा की जो ऑथर है वो है कुलबदन बेगम हुमायूं नामा ये बायोग्राफी है हुमायूं के लाइफ की नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंदरिया महादेव टेंपल ऑफ द मेडिवल इंडिया इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि शिवा तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये टेम्पल कंदरिया टेम्पल ये आपने ध्यान में रखना है सो द कंदरिया महादेव टेम्पल one of the best examples of temples preserved from the medieval period in india is the largest of the western group of the temples in the Khajuraho complex which was built by the chandela rulers the Khajuraho complex it was built by the chandela rulers you have to remember this as well

तो फिरोज तुगलक ही फाइनली द मॉन्यूमेंट कॉल्ड डेस्क कुतुब मीनार जिसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था कंप्लीटेड बाय अलतुतमश बट फाइनली इट वाज रिबिल्ट बाय फिरोज तुगलक द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1192 एडी द मीनार टॉप मोस्ट स्टोरी वाज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग इन 1369 में ये लाइटनिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था एंड वाज रीबिल्ड बाय फिरोज शाह तुगलक हु एडेड

पावर वॉज द मुगल एम्पर जिन्होंने काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया जिनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट था इन मेकिंग द गार्डन्स इन द मुगल स्टाइल नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गीत गोविंद राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि जयदेव सो जय देव इज द ऑथर ऑफ दिस बुक गीत गोविंद गीत गोविंद वॉज कम्पोज बाय द फेमस ट्वेल्थ सेंचुरी पोएट कॉलेज जयदेव जयदेव रोड द गीत गोविंद विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द रास लीलाज ऑफ कृष्ण इन वृंदावन तो लॉर्ड कृष्णा की जो लीला जो उन्हें रची वृंदावन में उनके बारे में डिस्क्राइब किया है गीत गोविंद में बाय जयदेव नेक्स्ट क्वेश्चन द उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड इन टू परशियन बाय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दारा शिकोहो तो दारा शिकोहो इन्होंने ट्रांसलेट किए उपनिषद्स को पर्शियन लैंग्वेज में सो दारा सिकोहो सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड अ फ्रेंडशिप विद द सेवंथ गुरु सेवंथ सिख गुरु जिनका नाम था गुरु हर राय दारासुको डिटेड मच एफर्ट टूवर्ड्स फाइंडिंग अ कामन मिस्टिकल लैंग्वेज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुज़म तो इस्लाम और हिंदुजम के बीच में एक कॉमन एक कॉमन मिस्टिकल लैंग्वेज छोड़ने में दारासकोह कामयाब रहे और इन्होंने परशियन लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया टूवर्ड्स दिस गोल ही कम्प्लीटेड द ट्रांसलेसन ऑफ फिफ्टी उपनिषद्स फ्राम दरिजिनल संस्कृत इन टू परशियन इन सिक्सटीन फिफ्टी सेवन सो दैट दे कोड भी ऑल्सो स्टडी बाय द मुस्लिम स्कॉर्स ताकि मुस्लिम स्कॉलर्स भी उपनिषद्स को

इन 1017 थाउजेंड से ही रोड तारक़ अल हिंद यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही वॉज़ गिवन द टाइटल ऑफ़ द फाउंडर ऑफ़ इंडोलॉजी एंड अल उस्ताद तो इनको जो अल बिरूनी है ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ़ द फाउंडर ऑफ़ इंडोलॉजी और अल उस्ताद का इनको टाइटल मिला था ये भी आपने ध्यान में रखना है इनकी की एक फेमस एक इनका फेमस नोटेबल वर्क है जिसका नाम है तारक़ अल हिंद यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फ़ाउंडर लीडर ऑफ द मुस्लिम फ़ीरस राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि मजनून शाह तो मजनून शाह इनको कंसिडर किया जाता है एज द फ़ाउंडर लीडर ऑफ़ द मुस्लिम फ़ीर्स तो ये आपने ध्यान में रखना है सो मजनून शाह वॉज अ फ़कीर ऑफ द मदरिया सूफी ऑर्डर फाउंडेड बाई सैयद बदुद्दीन कुतुब उल शाह मदार

ऑप्शन नंबर ए यानी कि संत कबीर तो कबीर दास जी का एक नोटेबल वर्क है बिजक बिजक इज़ द बेस्ट नोन ऑफ द कॉम ऑफ कबीर दास एंड एज सच इज अ होली स्क्रिप्चर फॉर फॉलोअर्स ऑफ कबीर पंथी रिलीजन तो कबीर दास जी को फॉलो करने वाले वालों ने एक नया एक रिलीजन हम कह सकते हैं क्रिएट किया है जिसका नाम है पंथी रिलीजन द तो बिजक इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द मेजर टेक्स्ट इन मॉडर्न हिंदी नेक्स्ट क्वेश्चन मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट डेली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि औरंगजेब तो औरंगजेब ने कंस्ट्रक्ट करवाया था मोती मस्जिद को ये आपने ध्यान में रखना है तो मोती मस्जिद इज़ अ वाइट मार्बल मॉस्क इनसाइड द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन डेली इंडिया

राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि अकबर तो अकबर द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था ये आगरा फॉर्ट ये आपने ध्यान में रखना है

राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हसन निज़ामी तो हसन निज़ामी ही इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ताज उल ता सो हसन निज़ामी वॉज अ पर्शियन लैंग्वेज पोएट एंड हिस्टोरियन हु लिव्ड इन द ट्वेल्थ एंड द थर्टीन सेंचुरी सो ही माइग्रेटेड फ्रॉम निशापुर टू डेली इन इंडिया वेर ही रोट ताज माशिर द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ़ द डेली सल्तनत तो फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री मानी जाती है ये डेली सल्तनत की इस बुक का नाम है ताज उलमाशिर रिटर्न बाई हसन निज़ामी नेक्स्ट क्वेश्चन तुलसीदास कम्पोज हिज रामचरित मानस ट्यूरिंग द रीन ऑफ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर तो अकबर के रीन के टाइम पर तुलसीदास जी ने रामचरित मानस को कम्पोज किया था रामचरित मानस वॉज कम्पोज एट अयोध्या वाराणसी एंड चित्रकूट इंडिया वॉज अंडर द रीन ऑफ मुगल एम्पर अकबर एट द टाइम क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था फिफ्टीन से लेकर सिक्सटीन तक का था नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द मुग़ल एम्पायर एट द टाइम ऑफ अहमद शाह अब्दालीज इन्वेशन ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि शाह आलम फर्स्ट तो शाह आलम फर्स्ट ये मुगल एम्पर थे इंडिया के जब अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया को इन्वेट किया था सो अहमद शाह अब्दाली ही इन्वेटेड इंडिया सेवन टाइम्स फ्राम सेवनटीन फोर्टी एट टू सेवनटीन सिक्सटी सेवन टोटल सेवन टाइम्स अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में इन्वेट किया था सेवनटीन फोर्टी एट से लेकर सेवनटीन सिक्सटी सेवन तक ये टाइम पीरियड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही क्रॉस्ड काइबर पास इन दिसम्बर सेवनटीन फोर्टी सेवन विद फोर्टी थाउजेंड ट्रूब्स टू इन्वेट इंडिया इंडिया वॉज बींग रूल्ड बाई शाह आलम फर्स्ट एट द टाइम तो मुग़ल एम्प्रर तब थे शाह आलम फर्स्ट Next question, who among the following was known as Nirgun saint and reformer? राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि संत कबीर तो कबीर दास जी को निर्गुण सेंट या फिर के नाम से भी जाना जाता है निर्गुण सेंट कबीर इज वाइडली बिलीव टू हैव बिकम द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ द भक्ति पोएट स्वामी रामानंद तो स्वामी रामानंद इनके फर्स्ट डिसाइपल यानी फर्स्ट शिष्य माने जाते हैं दास जी नोन फॉर डिवोशनल वैष्णविज्म विद अ स्ट्रॉन्ग पेंट फिलासफी टीचिंग दैट गॉड वी पर्सन एंड इन एवरीथिंग तो एक ऐसा अद्वैत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये अद्वैत फिलॉसफी को फॉलो करते थे और मानते थे कि भगवान हर एक चीज के अंदर प्रेजेंट है संत कबीर वाज़ नोन एज निर्गुण सेंट एंड रिफॉर्मर तो उन्हें निर्गुण सेंट के नाम से भी जाना जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अकबर टीचर राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अब्दुल लतीफ़ तो अब्दुल लतीफ ही वॉज द टीचर ऑफ़ अकबर यानी कि अकबर के टीचर इनका नाम था अब्दुल लतीफ़ सो अकबर टीचर वॉज अब्दुल लतीफ़ वॉज एन इरानियन स्कॉलर तो ये एक इरानियन स्कॉलर थे ही वॉज द पेट्रॉन ऑफ अकबर फ्रॉम बैरम खान फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टीन सिक्सटी ए डी हु वॉज सीटेड ऑन थ्रोन ऑफ गजलुद्दीन मोहम्मद अकबर घाजी lovingly called as खानी बाबा सो अकबर को प्यार से खानी बाबा के नाम से भी जाना जाता था ये आपने ध्यान में रखना है और इनका जो मोहम्मद अकबर. नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिल्ट द फेमस चार मिनार ऑफ हैदराबाद राइट आंसर हो चाहे कस लिए ऑप्शन बी यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह

नेक्स्ट क्वेश्चन जंतर मंतर इज लोकेटेड इन वे स्टेट राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान तो राजस्थान में सिचुएटेड है ये जंतर मंतर जंतर मंतर मॉन्यूमेंट इन जयपुर राजस्थान इज अ कलेक्शन ऑफ नाइनटीन आर्किटेक्चुर एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिल्ड बाय द राजपूत किंग सवाई जयसिंह सेकेंड तो सवाई जयसिंग सेकंड इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था जंतर मंतर का ये आपने ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर, यूज ऑफ हालो और डिवाइन पेंटिंग्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर तो जहांगीर इनके टाइम पर डिवाइन लाइट्स को स्टार्ट किया था इन पेंटिंग्स डिवाइन लाइट्स और हालो दीज वर स्टार्टेड इन पेंटिंग्स ये आपने ध्यान में रखना है और जहांगीर ये ऐसे मुग़ल एम्प्रर थे जिनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग्स में ये आपने ध्यान में रखना है और अगर हम बात करें गार्डन्स में किसका इंटरेस्ट था तो गार्डन्स में हमायूँ उनका इंटरेस्ट था और जहांगीर इनका इंटरेस्ट पेंटिंग्स पे था जहांगीर जो अकबर के बेटे थे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस Manuscript in this style, a halo because of belief that they were special beings touched by a divinity who radiated the light of Allah. Next question Pushti Mark is a Vaishnav sect of Hinduism. It was founded by whom? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि वल्लभाचार्य तो वल्लभाचार्य ये फाउंडर है पुष्टि मार्ग ऑफ वैष्णव इन वैष्णविज़्म के विच इज़ अ पार्ट ऑफ तो पुष्टि मार्ग यानी कि द पाथ ऑफ ग्रेस इज अ वैष्णव सेक्ट ऑफ हिंदुइज़्म फाउंडेड बाय श्री वल्लभाचार्य ऑल्सो नोन एज महाप्रभु जी तो वल्लभाचार्य इनको महाप्रभु जी के नाम से भी जाना जाता था एंड इन्होंने इसकी फॉर्मेशन अराउंड 1500 एडी में की थी नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट अताला मॉस्क इज़ एसोसिएटेड विद द राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि शारकी रूलर्स तो शारकी रूलर्स इनसे एसोसिएटेड है ये अताला मॉस्क ये आपने ध्यान में रखना है सो द जौनपुर अताला मस्जिद वॉज बिल्ड बाय सुल्तान इब्राहिम शारकी सुल्तान ऑफ जौनपुर ऑन द फाउंडेशन लेट ड्यूरिंग द रीन ऑफ तुगलक सुल्तान फिरोज शाह थर्ड इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1377 में और फाइनली कंप्लीट हुआ था 1408 एडी में नेक्स्ट क्वेश्चन सुल्तान ऑफ प्लेइंग चौगान और पोलो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक सो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द रूलर ऑफ द डेली सल्तनत जिनकी डेथ हुई थी वाइल्ड प्लेइंग पोलो सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक हु

राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ताजमहल ताजमहल इज द हिस्टोरिकल साइट जो बिल्ट की गई है ऑन द राइट बैंक ऑफ यमुना रिवर तो यमुना रिवर के राइट बैंक पर ये ताजमहल सिचुएटेड है मुगल एम्बर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ इज फेवरेट वाइफ बिल्ट द ताजमहल विच इज़ अ ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ़ द यूनिवर्सली एडमायर्ड मास्टर पीसज ऑफ द वर्ल्ड हेरीटेज और ये वन ऑफ द सेवन वर्ल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड में से भी एक है इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर यमुना एंड दिटी ऑफ आगरा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है इट वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट इन द ईयर नाइनटीन एटी थ्री तो नाइनटीन एटी थ्री में इसे वर्ल्ड हेरीटेज साइट के अंडर भी डिक्लेयर कर दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु अर्जुन देव तो गुरु अर्जुन देव इन्होंने कंपाइल किया था सिख का जो गुरु एक ग्रंथ है जिसका नाम है आदि ग्रंथ इसका कंपाइलेशन गुरु अर्जुन देव ने किया था सो so, आदि ग्रंथ द फर्स्ट रेंडिशन वॉज कंपाइल्ड बाय द फिफ्थ सिख गुरु कॉल्ड एज गुरु अर्जुन तो ये फिफ्थ सिख गुरु थे ये भी आपने ध्यान में रखना है देंथ गुरु वॉज गुरु गोबिंद सिंह एडेड वन श्लोका दोहरा दोहरा महल नाइन अंगजेंड फोर हंड्रेड टी नाइन एंड ऑल हंड्रेड फिफ्टीन हेम्स फॉर ऑफ फॉर द गुरु तेग बहादुर द सेकंड एडिशन केम टू बी नोन एज श्री गुरु ग्रंथ साहिब तो जो सेकंड एडिशन था इसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज फेमसली नोन एज तोता ए हिंदुस्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए आमिर खुसरो तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर खुसरो इज एज वन ऑफ द फोर ग्रेट पिलर्स ऑफ फोर्टीन सेंचुरी पर्शियन लिटरेचर ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ तोता ए हिंद और द नाइटिंगल ऑफ इंडिया तो ये आपने ध्यान में रखना है सो so, आमिर खुसरो इनको तोता ए हिंद या ना, नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमायू टॉम वॉज बिल्ट बाय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बेगा बेगम सो बेगा बेगम कंस्ट्रक्टेड द हमायूं टॉम द टॉम ऑफ हुमायूं वॉज बिल्ट बाय द ऑर्डर्स ऑफ हमायूं फर्स्ट वाइफ एंड द चीफ कॉन्सर्ट एम्प्रेस बेगा बेगम तो हुमायूं की जो फर्स्ट वाइफ थी उनके चीफ ऑर्डर्स पर हुमायूं का टॉम कंस्ट्रक्ट करवाया गया था सो शी वॉज ऑल्सो एज बेगम हाजी बेगम सो इनका नाम बेगा बेगम या फिर हाजी बेगम था दंस्ट्रक्शन बिगेन इन ईयर्स आफ्टर हिस्स एंड कम्पलीटेड इन एट द कास्ट ऑफ फाइव मिलियन रुपीज एट दाइम नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वॉज राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी तो मलिक मोहम्मद जायसी ही इज़ कंसिडर टू बी द फर्स्ट हिंदी स्कॉलर ऑफ़ द मुगल पीरियड तो मुगल पीरियड के टाइम के फर्स्ट हिंदी स्कॉलर इन्हें कंसिडर किया जाता है सो मलिक मोहम्मद जायसी वॉज द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर मलिक मोहम्मद जायसी वॉज एन इंडियन सूफी पोएट एंड पीड और ही रोट इन अवधि लैंग्वेज एंड द बेस्ट पर्शियन

करवाई थी एक न्यू सिटी जिसका नाम था दीन पन्हा और इन्होंने इसे यमुना रिवर के बैंक पर कंस्ट्रक्ट करवाया हुमायूं असेंडेड द थ्रोन इन 1530 एंड इन 1533 फाउंडेड अ न्यू सिटी कॉलेज दीन पनहा ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर ये आपने ध्यान में रखना है शेर शाह वॉज हु ओवर थ्रू इन 1540 रेज दीन टू द ग्राउंड एंड बिल्ट हिज न्यू कैपिटल शेर शाही नोन एज पुराना किला फ़ोर्ट इन द साउथ ईस्टर्न दिल्ली तो शेर शाह सूरी इन्होंने जब हमारी को 1540 में हराया था इन द बैटल ऑफ चौसा तो इन्होंने पनाह को हटाकर कर यहाँ पर अपनी नई कैपिटल इस्टेब्लिश करी जिसका नाम मैंने रखा शेर शाही और इसको अब जाना जाता है बाय द नेम पुराना किला फोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द लैंग्वेज दैट वॉज डेजिग्नेटेड एज द कैंप लैंग्वेज ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि उर्दू तो उर्दू लैंग्वेज को कैंप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ये आपने ध्यान में रखना है उर्दू वॉज डेजिग्नेटेड एज द कैम्प लैंग्वेज ऑफ द मेडिवल इंडिया द वर्ड तुर्किश मीन्स माइल माइल डेरी कैंप अलक्ष उर्दू लैंग्वेज वॉज डेवलप बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ हिंदू टर्किश एंड अफगान सोल्जर्स तो इनके जब ये मिले तो इनके जब ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट पर आए तो उसके कॉम्बिनेशन से इनके कॉम्बिनेशन से इन लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन से एक नई लैंग्वेज बने जिसको उर्दू कहा जाता है सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर द मोरकन ट्रैवलर अब्न बटूटा विजिटेड इंडिया राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बीन तुगलक के टाइम पर अबन बटूटा ने इंडिया को विजिट किया था सो अमोरकन ट्रैवलर अबन बटूटा विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बीन तुगलक तगलक बुक कॉल रेला यानी कि द ट्रेवल ऑग थ्रोज अ लॉट ऑफ लाइट ऑन द रीन ऑफ मोहम्मद बीन तुगलक एंड जोग्राफिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इन इंडिया तो इन्होंने अपनी बुक में जिसका नाम है द ट्रेवल ऑग और रेहला इसमें मोहम्मद बीन तुगलक के टाइम पर जो इकोनॉमिक पोलिटिकल सोशल कंडीशंस थी विद इन इंडिया उनको डिस्क्राइब किया है अब्न बटूटा ने और ये मरक्ो कंट्री को बिलोंग करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन द बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट टू मार्क अकबर कॉन्केस्ट ऑफ राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात तो गुजरात में जब अकबर को जीत मिली थी तो उसके उस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए उस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए बुलंद दरवाजा का कंस्ट्रक्शन करवाया गया बुलंद दरवाज़ा और द गेट वे ऑफ फैक्ट्री वॉज बिल्ट इन सिक्सटीन हंड्रेड वन ए डी बाई अकबर टू को मेमोरियल हिस्स फैक्ट्री ओवर गुजरात इट इज़ द मेन एंट्रेंस टू द पैलेस इज़ किलोमीटर फ्रॉम आगरा इंडिया तो बेसिकली अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बुलंद दरवाजे का कंस्ट्रक्शन करवाया था अकबर ने यह आपने ध्यान में रखना है विक्ट्री ओवर गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन हु चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती तो मोइनुद्दीन चिश्ती इन्होंने चिश्ती ऑर्डर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया मोइनुद्दीन चिश्ती इंट्रोड्यूस तो द च्ती ऑर्डर तो इन लाहौर पंजाब एंड अजमेर राजस्थान सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी के अराउंड इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया ही वॉज द एट इन द लाइन ऑफ सक्सेशन फ्रॉम द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर अबू इशाक़ शमी नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज ज़िंदा पीर और द लिविंग सेंट इन मुगल पीरियड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि औरंगजेब तो औरंगजेब को कहा जाता है एज ज़िंदा पीर और द लिविंग सेंट ये आपने ध्यान में रखना है औरंगजेब वाज कॉल्ड एज ज़िंदा पीर और लिविंग सेंट इन मुगल इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग्स इज सेट टू द यूनिक फीचर ऑफ बींग्जेक्टली इक्वल इन लेंथ एंड ब्रेथ राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि ताजमहल तो ताजमहल इट इज़ अ मुगल बिल्डिंग और इसका एक यूनिक फीचर ये है कि इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो काफ़ी ज्यादा इक्वल एग्जैक्टली इक्वल है ताजमहल वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्प्रेस जहाँ जहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव वाइफ नूर जहाँ की मेमोरी पे Uh, जहा ने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन करवाया था इट वॉज डिजाइन बाय उस्ताद अहमद लाहौरी तो आपका इन, आपको इनका नाम भी ध्यान में रखना है कि इसका जो डिजाइन किया था वो अहमद uh, लाहौरी ने किया था द डोम ऑफ ताज महल हैज एग्जैक्टली सेम हाइट एंड लेंथ ऑफ बेस डेट इज थर्टी फाइव मीटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन बुलंद दरवाजा इज द मेन एंट्रेंस टू to टू palace एट राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि अमीर फोर्ट तो अमीर फोर्ट के लिए जो एंट्रेंस है वो है बुलंद दरवाजा ये आपने ध्यान में रखना है अमीर फोर्ट सो द गेट ऑफ मैग्निफिशियंस इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द पैलेस इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्पर अकबर तो इसका कंस्ट्रक्शन अकबर ने करवाया था टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर खानदेश यानी गुजरात के ऊपर विक्ट्री मिली थी तब इसका कंस्ट्रक्शन किया था एंड अहमदनगर इन डेक्कन इट इज सिचुएटेड एट फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश तो जब गुजरात और अहमदनगर इन डेक्कन के ऊपर अकबर को जीत मिली तब इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था और ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है नियर फतेहपुर सीकरी नेक्स्ट क्वेश्चन शाहजहां बिल्ड ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुमताज महल तो मुमताज महल की मेमोरी पर शाहजहां ने ताज महल का कंस्ट्रक्शन किया था एनिमिन मॉसोलियम

Next question, the most learned medieval Muslim ruler who was well versed in various branches of learning, including astronomy, mathematics, and medicine, was. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक तो मोहम्मद बिन तुगलक ये एक ऐसे मुस्लिम रूलर हैं जिनको हम मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स और मेडिसिन तीनों में काफ़ी ज़्यादा ये टैलेंटेड थे द मोस्ट लर्न मिडिवल मुस्लिम रूलर हु वॉज वेलवर्स इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन वॉज मोहम्मद बिन तुगलक आपको इनका नाम ध्यान में रखना

बानू बेगम इन फिफ्टीन हंड्रेड सेवेंटी इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉम इन द कम्प्लीट इंडियन सब कॉन्टीनेंट में यह पहला गार्डन टॉम था और इट वॉज डिक्लेर्यरड एज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट इन नाइनटीन नाइनटी थ्री तो नाइनटीन नाइन्टी थ्री में से यूनस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट भी कंसिडर कर लिया गया था ये भी आपने ध्यान में रखना है और आपको होमवर्क है कि आपको बताना है नाइन्टीन एटी थ्री में कौन से मोनूमेंट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरीटेज साइट के अंडर कंसिडर किया था जो हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त तुकाराम वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल रूलर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि जहानगीर तो जहाँंगीर के कंटेम्प्रेरी थे भक्त तुकाराम ये आपने ध्यान में रखना है द पीरियड ऑफ भक्त तुकाराम इज कंसिडर्ड बिटवीन सिक्सटीन हंड्रेड एट सिक्सटीन फोर्टी नाइन एंड दैट ऑफ जहानगीर है सिक्सटीन ट्वेंटी सेवन टू सिक्सटीन फिफ्टी सेवन तो ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी हैं ये आपने ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पुराना किला एट डेली वॉज बिल्ट राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेरशाह तो शेरशाह इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था पुराना किला एट डेली शेर फोर्ट और द पुराना किला इट स्टैंड्स ऑन द एनशियंट साइट नोन एज इंद्रप्रस्थ एसोसिएटेड विद द हिंदू एपिक महाभारत तो इंद्रप्रस्थ जो महाभारत से एसोसिएटेड है यहाँ पर शेरशाह का जो फोर्ट है पुराना किला सिचुएटेड है ये आपने ध्यान में रखना है ही वॉज टेम्परली डिपोज बाय

निम्बर काचार्य इन्होंने फैलाई थी ही प्रोपोगेटेड द थियोलॉजी ऑफ द्वैत द्वैत ये आपने ध्यान में रखना है सो निम्बर काचार्य निम्बर काचार्य इज नोन फॉर हिज प्रोपोगेटिंग वैष्णव थियोलॉजी ऑफ द्वैत द्वैत निम्बरकाचार्य कम्स इन द लाइन ऑफ द कुमार संप्रदाय एंड इज बिलीव टू हैव लिव अराउंड इलेवंथ टू ट्वेल्थ सेंचुरी ये भी आपने ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेंट फ्रोट श्री भाष्य राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रामानुज तो रामानुज इन्होंने श्री भाष्य को लिखा था श्री भगवत रामानुजाचार्य वॉज अ हिंदू थियोलॉजियन फिलासफर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशंस विद हिंदुज़्म और इन्होंने लिखा श्री भाष्य को रामानुजाचार्य हिमसेल फ्रोट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट सच एज भाष्य ऑन द ब्रह्मसूत्र एंड गीता ऑल इन संस्कृत बेसिकली आपने ध्यान में रखना है कि श्री का जो आ, को जो लिखा था वो रामानुज ने लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन बीबी का मकबरा इज लोकेटेड एट राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि औरंगाबाद में सिचुएटेड है बीबी का मकबरा द बीबी का मकबरा इज अ टॉम लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया इट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्पर औरंगजेब सन आजम शाह ने इसे बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर इट बी एज अ स्ट्राइकिंग रिजम्बलेंस टू द फेमस ताजमहल द मौसुलियम ऑफ वाइफ ऑफ शाहजहाँ तो ये काफ़ी ज़्यादा मैच करता है रिजेंबलेंस है इसका काफ़ी ज़्यादा विद दैट ऑफ ताजमहल Next question Who among the following was responsible for making Sikhism a militant force? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह जो टेंथ गुरु थे सिख के इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सिखिज्म में मिलिटेंट फोर्स को इंट्रोड्यूस करने का गुरु गोविंद सिंह वॉज द फर्स्ट गुरु टू इंगेज इन वॉरफेयर एडवाइजिंग द सिख टू टेक पार्ट इन मिलिट्री ट्रेनिंग एंड मार्शल आर्ट तो ये चाहते थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था टू द सिख पीपल टू टेक पार्ट इन मिलिट्री मिलिट्री में ट्रेनिंग में और मार्शल आर्ट्स को सीखने के लिए इनक्रेज करते थे ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द अकल तख्त तो अकल तख्त का कंस्ट्रक्शन भी गुरु गोबिंद सिंह ने करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन हु ट्रांसलेटेड द रामायण इन टू परशियन राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि बदौनी सो बदौनी इन्होंने ट्रांसलेट किया था रामायण को पर्शियन लैंग्वेज में सो so, इनका फुल नेम था अब्दुल कादर बदौनी वॉज अ ग्रेट ट्रांसलेटर एंड हिस्टोरियन ऑफ मुग़ल एरा तो मुगल एरा के काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन और ट्रांसलेटर थे ही वॉज़ अपॉइंटेड बाई मुग़ल एम्पर अकबर टू हिज रिलीजियस ऑफरिंग ऑफ रॉयल काउंसिल अकबर आस्ट हिम टू ट्रांसलेट रामायण इंटू परशियन और अकबर ने इन्हें ऑर्डर दिया था टू ट्रांसलेट द रामायण विच इज़ अंदू टू परशियन इट टुक हिम फोर ईयर्स टू कम्प्लीट द टास्क और इन्हें चार साल लगे थे इस ट्रांसलेशन uh, में नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ डेली इंट्रोड्यूस द टोकन करंसी राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक तो मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था डेली में सो टोकन करेंसी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद तुगलक इन इंडिया मोहम्मद बिन तुगलक इज नोन फॉर हिज एक्टिव इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटिंग विद द कॉएनेज द कोनेज सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है मोहम्मद बिन तुगलक ही इम्प्लान्टड हिज कैरेक्टर एंड एक्टिविटीज़ ऑन द एंड प्रोड्यूस्ड अबर्ंड गोल्ड कॉइन्स कम्पेयर टू डेट ऑफ एनी ऑफ हिज प्रोड्यूसर्स तो देखिए इन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइंस को मिन्ट uh, करवाया था मोर ओवर इन्होंने जो अपनी अपने कैरेक्टर है और अपनी एक्टिविटीज़ को भी जो गोल्ड कॉइंस थे उनमें प्रिंट करवाया था नेक्स्ट क्वेश्चन गजनी वॉज अ स्मॉल प्रिंसपैलिटी इन सो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि अफ़गानिस्तान तो अफ़ग़ानिस्तान में एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी का नाम था गजनी ये आपने ध्यान में रखना है प्रिंसिपैलिटी मीन्स रियासत सो so, गजनी हिस्टोरिकली नोन एज गजनी और गजना इज़ अ सिटी इन सेंट्रल अफग़ानिस्तान विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड टू सेवेंटी थाउजेंड पीपल सो द सिटी इज़ स्ट्रेटिकली लोकेटेड अलॉन्ग हाईवे वन विच वॉज Which has served as the main road between Kabul and southern Afghanistan for thousands of years. नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिल्ड्स द खाजुराव टेम्पल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंदेला राजपूत तो चंदेला राजपूत इन्होंने बनवाया था खाजुराओ टेम्पल को द टेम्पल्स ऑफ खाजुराव वर कमीशन बाय द राजपूत रूलर्स ऑफ चंदेला डायनेस्टी हु रूल ओवर इंडिया फ्रॉम टेंथ टू थर्टीन सेंचुरी सीई तो टेंथ से थर्टीन सेंचुरी के अराउंड चंदेला रूलर्स ने रूल किया इंडिया में और सेंट्रल इंडिया पे बेसिकली इन्होंने रूल किया और खाजुराव टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट है वो भी चंदीला राजपूत को जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द कैलाश टेम्पल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉकट एंशियंट हिंदू टेम्पल लोकेटेड एट एलोरा एंड इट वॉज बिल्ट बाय राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृष्णा वन तो कृष्णा वन इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था एलोरा uh, का कैलाश टेंपल का जो एलोरा पे लोकेटेड है ये आपने ध्यान में रखना है ये एक रॉक कट एंशंट हिंदू टेंपल है कैलाश टेंपल तो कैलाश टेंपल इज़ वन ऑफ द थर्टी फोर केव टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज नोन कलेक्टिवली एज एलोरा केव और कलेक्टिवली इनको एलोरा केवस कहा जाता है यहाँ पे टेम्पल्स और बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज प्रेजेंट हैं इट्स कंस्ट्रक्शन इज जनरली जर्नली राष्ट्र वन तो कृष्णा क्रेडिट दिया जाता है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल्स लोकेटेड है आपको याद रखना है रॉक कट टेम्पल्स ऑफ अलोरा में बहुत मोनिस्ट्रीज प्रेजेंट हैं हिंदू एंड जैन टेम्पल्स प्रेजेंट हैं सो एलोरा बिल्ड बाय राष्ट्रकूटाज इज़ लोकेटेड 29 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ औरंगाबाद इन महाराष्ट्र तो औरंगाबाद से कुछ अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर महाराष्ट्र में सिचुएटेड हैं ये रॉकट टेम्पल्स इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स मोन्यूमेंटल केवस दैट इज 12 यहाँ पे बुद्धिस्ट केव्स हैं 17 हिंदू केव्स हैं और 5 जैन केवज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि फतेहपुर शिक्री तो फतेहपुर फतेहपुररी में सिचुएटेड है जामा मस्जिद ये आपने ध्यान में रखना है और इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर किया गया है तो जामा मस्जिद इज अ सेवनटीन सेंचुरी मॉस्क इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ फतेहपुर शिक्री इन इंडिया द मुगल एम्प्रियर अकबर पर्सनली डायरेक्टेड द बिल्डिंग ऑफ जाम मस्जिद तो जामा मस्जिद की जो बिल्डिंग थी इसको पर्सनली अकबर मुगल एम्पर अकबर ने खुद डायरेक्ट किया था सो इट वॉज ऑल्सो कॉल ग्रेट मॉस्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्ट्रेच सम फाइव हंड्रेड फोर्टी फीट दैट इज सिक्स मीटर्स इन लेंथ कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन